सलाम YouTube फैमिली, हेयर आई एम दादाश गुरु वीडियो। तो आज का हमारा प्रोग्राम था कि हमने खंड गांव जाना है और वहां पे एक मरतबा फिर से फिश पार्टी है। इस मरतबा मेरे साथ तारिक महमूद और बादर हैं, जो कि दोनों वो पीछे बाइक पर हैं। तो यहां पे थोड़ा राइडिंग मुश्किल होता है पत्थरों में, तो इसलिए मैं पैदल ही वॉक कर रहा हूँ। और सामने उधर उस होटल में जाके इंशाल्लाह फिश पार्टी होगी आज। अभी हमने जुमा अदा किया है और निकल गए हैं। तो तकरीबन 40 बाइक राइड करने के बाद हम यहाँ पहुँच गए। अस्सलाम वालेकुम संगाले जोड़े, सलामुन सो इज़ द मेन जो हमें बोट राइड देगा उस तरफ जाने में। सो बोट अब किस वक्त आती है कुछ पता नहीं, दूसरी जाने पे काफ़ी दूर, उम्मीद करते हैं कि जल्दी आ जाएगी। सो कितना टाइम लगेगा तारे, कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम आएगी? 5 मिनट में। सो 5 मिनट हम बाद राइड लेने वाले। बोट धीरे धीरे करीब आ रही है और दो परचम पाकिस्तानी लगे हुए हैं इस पे। काफी करीब आ चुकी है बोट। सो फाइनली वी आर गोइंग टू हैव अ बोट राइड और जिंदगी में फर्स्ट टाइम मैं बोट में राइड करने वाला हूँ। पता नहीं इसका सफ़र कैसे होगा। बादर खान काफ़ी खुशगवार मूड में है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, या अल्लाह खैर। फीस भाई तब क्यों उतरेगा दास डकावा करना हो यार। मैं काफ़ी खुशगवार मूड में हूँ क्योंकि ये पहली मरतबा मैं ले रहा हूँ बोट राइड और मुझे तैरना बिल्कुल नहीं आता। अगर ना खासा इसको आता है तैरना, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अल्लाह करे खैरियत से उधर पहुँच जाए इंशाल्लाह। तो कुछ इस तरह होती है अपनी बोट राइडिंग। पर हेड तो पर हेड 50 रुपये ये चार्ज करते हैं, जो 150 इनका हुआ। सही लख कर रही और देखो ना खदे बड़ा अच्छा पानी। हाँ पानी वो दस पानी ये जनरेटर किस वक्त यूज करते हैं, मतलब पानी ज्यादा हो तो या लोग ज्यादा हो? अच्छा अच्छा, जब लोग ज्यादा तो जनरेटर का यूज करते हैं क्योंकि पावर ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन अगर हम सिर्फ 3 लोग हैं तो ये हमारे समझ लें चाचू मामू जो भी कह लें, माशाल्लाह हिम्मत मर्दम मदद खुदा अकेले ही। फीस दबे लगा लगा दगा को हकीकत तो हुआ। योरा से दर्द पता दे तरु गर्माई की आगे जलालिया सिन की मिलाम्बल और दा डोंट के मरा चाप रेख हो ना ना सवाबे वाला काका रजियान वाला ने दिरा गली चलता आगे सवाबे याद है कि नू बस बे और कई खुखाला का मसल के उस दा चाप तंदी दी ना 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 तुम रदी नन जो बाबा उदरे दरा उस्ताद जो दन्न चगवाड़ी जुमा की कना सो हम पहुंच चुके हैं साइड पर। ये सामने होटल है, यहाँ पे फिश पार्टी होगी और हम यहाँ इस बोट से हम यहाँ पर आए। काफी अच्छा लगा मुझे बाइक सॉरी बोट राइड लेकर। नो 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 कैमरा यार मैंने इस तरफ लगाए हुए, ये देखिए अब आप लोग भी इसमें कवर होंगे। बादर कैसा महसूस हो रहा है आपको बोट राइड लेकर? जबरदस्त है यार।
कितनी बार आ चुके हैं आप यहाँ पर? मेरी तो फर्स्ट टाइम है और जिंदगी में फर्स्ट टाइम मैं बोर्ड में बैठा हूँ। अच्छा, ये सामने मोटरवे पुल है M1, यानी पेशावर से इस्लामाबाद की तरफ। इस साइड पे जाएं तो इस्लामाबाद की तरफ ये दरिया सिंध है, और वो सामने से इस जगह से हम आए थे बोट में, ये वाली जगह। अब हम यहाँ होटल पे स्टे किया हुआ है और फिश तैयार हो रही है। जब जब तैयार होगी तब तक हम इंतज़ार करेंगे और उसके बाद हम टूट पड़ेंगे। तारीफ बदल बादर ना दिला रहा गले। डायरेक्ट सीन नहीं सही है। बल फार्मिंग भी था सर। पारा मैं तास तमाम को तसीन मैं भी करता हूँ को। हाँ। तसीन चेहरा कान ना जी का पारा मरूं भी पच्चे मशीनी पच्चे। दाउस कम या दा कम जो जोड़ो ही। दा तसीन वोड़ी के मैं दा देता मला वही तो को। मला। आओ जी। मना ना यार। तो इस वक्त हम हंड गांव में मौजूद है और हमारे साथ है जो कुक अब्दुल सलाम साहब। तो इस वक्त ये कुकिंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह आधे घंटे में हम फिश तैयार हो जाएगी, तो इंशाल्लाह हमें से तनावर फरमाएंगे और देखेंगे इसका टेस्ट कैसा है। तो कितना टाइम से आप ये काम कर रहे हैं? तकरीबन 15 साल। 15 साल से। और कौन से तरीके से ये बनाते हैं फिश? फ्राई भी बनाते हैं। ये आप जो हो रही है फ्राई हो रही है? फ्राई हो रही है ऑयल में। अच्छा, इसके अलावा ग्रिल फिश भी बनाता है। ग्रिल भी बनाता है। दम पोख जी सर। ग्रिल फिश, दम पोख और फ्राई। फ्राई और कीमा भी बनाते हैं। कीमा भी बनाते हैं। अच्छा अच्छा। तो ग्रिल भी बनाते हैं। चिकन ग्रिल। और आपकी सर्विस किस किस टाइम अवेलेबल होती है? मतलब 24 आवर्स तकरीबन सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक। रात के। और रमजान में क्या होगा? रमजान में जब तवारी होगी यहाँ पे, मतलब रात रात को। हाँ, रात रात सेर भी कर सकते हैं। सेर ही कर सकते। सतीश भाई जी। जी शुक्रिया अपना। दाऊद भाई, रहू भाई, सॉरी। तो ये तो यार इसमें तो जमाफदार का मान सारी ने देखी है यार। देखिए वो असली दी है पत्ते ने देखी गोर और तो दश असली देखना। हां मौका।
यार मुझे तो कांटों से बहुत डर लगता है, ऐसे नहीं ये चुपते हैं ना फिर मजे के हैं, प्यास अच्छा है, जबरदस्त जीतार महमूद प्यास कैसा है? बड़ा जबरदस्त है। कांटे चुप रहे हैं कि नहीं? नहीं कांटे नहीं है। ओहो यानी मजा आ गया है। रोता आइए सेट का बोला राडा।